देखिए सर, मैं जोरदार धमाके आरती के साथ उड़ा मैसोर से, कमरे का और ये लेंटर हमारी बेशौमी मम्मी है, घायल। ये हमारी धमाके की बुढ़ा आवाज भी है, गांव ये से लगभग हमारी 2 किलोमीटर बेटी तक है, सुनाई दी, और एक जिस बेटी घर सब है, में धमाका और हुआ वो जिसकी खंडहर सा माँ पड़ा खत्म हुआ हो है। चुकी है, बेशौमी उसके तो पंजाब ये में रह कर बच्चे करता हैं, है काम। एक दो ही दिन लड़का पहले है, आया और था ये काम, बड़े कमरे भाई की की सफाई नाते करते ने, हुए समय हुआ और जिसके धमाका। चोट लगी धमाके हुई की है आवाज से उसका कमरे का बेटा आधा ही लेंटर है, गिरा बाहर, और ये रखा बड़ी छप्पर भी दीदी गिरा। है, गुरुवार और की सर शाम क्षेत्र देखिए के कि गांव इतना मैसोर की लेंटर है, घटना। अगर गुरुवार की कोई शाम क्षेत्र के एक अब गांव में घर में उससे जोरदार कुछ, धमाका चलो हुआ जिसमें ठीक कमरे है, का उससे आधा कुछ लेंटर गिर विस्फोट गया हुआ और है बृहस्वामी घायल हो गया। आकाश से, तो बृहस्वामी उसमें पंजाब एक में नहीं रहकर लेंटर काम सर करता है। गिरेगा 2 दिन देखो, पहले ही और गांव आया इतना था, वो लेंटर रह खंडहर से जाएगा। पड़े अपने घर के कमरे की सफाई करा सर रहा ये था, तभी यह सत्य घटना के हुई। झूठ में बोल थाना रही हूँ क्षेत्र के सर, गांव हमारे रैंसो कहने वाला निवासी कोई नहीं है, अवधेश उर्फ और पप्पू लोग क्या दिवाकर कहते हैं, गांव के गुरुवार कोई, की शाम उन्होंने लगभग अपने 5 हाथों बजे से अपने छोड़ा है, खंडहर से पड़े घर के हाथ कमरे से किसी कुछ की जान कबाड़ जैसा फालतू है, सामान जो निकाल वो रखा यहाँ था। पे 10 साल ग्रामीण के से अनुसार अभी उस समय आए वो हैं। अकेला था, तभी एक जोरदार धमाका हुआ जिससे कमरे का आधा लेंटर फिर गिर गया। मैं आरती कमरे के मैसोर से बाहर रखा बोल रही हूँ छप्पर भी सर, गिर गया तथा गृहस्वामी गंभीर घायल हो गया। श्री हिमाचल से, घायल को उसके परिवार वाले फफूंद थाने न लाकर भाई का नाम है अवधेश, सीओ अजीत मल के ऑफिस ले गए, वहां से उन्हें सर फफूंद हमें थाने न्याय भेज दिया। चाहिए और फफूंद कुछ नहीं, पुलिस ने मैं उसे चाहती इलाज हूँ। के लिए सीएससी भिजवाया, जहां और से उसे इतना इलाज ये उन्हीं का मुगला हिस्सा अस्पताल पड़ा के लिए हुआ रेफर है, किया और इतना वहां ये से समझो सैफई यहाँ रेफर पे कर वो दिया। दबे थे, यहाँ सैफई ये अस्पताल मम्मी का में घायल नहीं का इलाज चल है, रहा यहीं है। पे दबे हुए मैसोल थे, गांव के लोगों ने बताया कि ये गांव से हमारी लगभग बूढ़ी 2 किलोमीटर माँ, दूर हमारे खेतों पर पिताजी थी। खत्म हो चुके तेज हैं, धमाके की आवाज सुनकर दौड़ते गांव की ओर भागे। इन बच्चों जोरदार से धमाके पूछा की आवाज जाए से गांव कि थर्रा गया, किसकी लेकिन आवाज किसी को हुई यह थी पता नहीं मेरी चला ब्रांच से, कि क्या फटा। सबको एहसास है लेकिन कोई ग्रामीण कुछ बोलने को तैयार नहीं। घायल गृहस्वामी पंजाब में सपरिवार रहता है और 2 दिन पहले ही गांव आया और उसका घर खंडहर सा पड़ा था। घर के कमरे में कुछ सामान जो रात के समय देखने में कबाड़ जैसा लग रहा था और निकाल रहा था, उसी समय धमाका हुआ और वह घायल हो गया। अवधेश के 2 भाई हैं जो अलग अलग मकानों में रहते हैं। छोटे भाई सत्यवीर ने बताया कि उसे भी नहीं पता कि वह क्या हुआ और घर पर नहीं था। आने पर मालूम हुआ कि आसमान में उड़ रहे रॉकेट के धमाके की आवाज़ से लेंटर और छप्पर गिर गया। भाई कमरे के अंदर से सामान निकाल रहा था, इसीलिए घायल हो गया। यशोश्रवण कुमार तिवारी ने बताया कि वह लेंटर तोड़ रहा था और लेंटर गिरने से वह घायल हो गया। सोशल मीडिया पर घायल की बहन के वायरल वीडियो में कहानी कुछ और। बहन गांव के लोगों पर लगा रही है हथगोला मारने का आरोप। 1 महीने पहले बेटी के साथ छेड़खानी होने पर करा दिया गया था समझौता, पुलिस पर सुनवाई ना करने का लगा रही आरोप। वायरल वीडियो में घायल की बहन आरती आरोप लगा रही कि उसका भाई घर के कमरे से सामान निकाल रहा था, तभी हमारे विरोधियों ने हथगोला मार दिया जिससे लेंटर गिर गया और भाई घायल हो गया। इन्हीं विरोधियों ने हमारी बेटी के साथ छेड़छाड़ भी की थी, समझौता भी हो गया था, विपक्षी जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही। वीडियो में घायल की बहन बातों की पुष्टि करता नजर आ रहा है। ब्यूरो चीफ विमल पांडे की रिपोर्ट। सत्यवीर क्या करने साथ भाई सामान निकाल रहा था मकान से, सो एकदम इसमें कोई अच्छा। पता नहीं कि क्या टाइम बम रखा था, क्या रखा था साहब, सो हमें जो सुना सो हम बता रहे कि सर के जो रॉकेट की आवाज़ हुई और वो जब बता रहे भाई के इसमें कुछ रखा था, इससे धमाका हुआ। हाँ इसमें कोई घायल भी हुआ है? हाँ भाई मेरा घायल हुआ सर, सिर में चोट है और उसकी टांग टूटी। थाने खबर दी आपने पुलिस? हाँ हाँ पुलिस को खबर दी थी यहाँ पे। हाँ जी पुलिस आई साहब, 2 बार आई, 1 बार जीप आई, 1 मोटरसाइकिल आई। अच्छा जो घायल है वो कहाँ पे? वो सर पता नहीं, हॉस्पिटल गए होंगे, अब दिव्यापुर। हाँ दिव्यापुर गए, यानी मेरे पता नहीं सर।